Hello and welcome Java Expert Training Program. My name is Mohsin Ahmed. I am trainer and founder at Credible Academy. आज का हमारा टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म का एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम, ठीक है ना? और इस एग्जाम्पल से आपको पॉलीमॉर्फिज्म की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मैंने एक क्लास बनाई है एडिशन, और मैंने एक मेन क्लास बनाई है एग्जाम्पल। इसकी स्पेलिंग गलत है, एग्जाम्पल पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है? चलिए, और हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक मेथड मैं बना लेता हूँ, public पब्लिक void add, ठीक है? और इस add में मैं क्या करता हूँ, int x, int y, इनको मैं एडिशन कराऊंगा, ठीक है ना? एडिशन का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, एडिशन क्लास का, ठीक है? और हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं पहले, ठीक है ना? ये सेव हो गया। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां से सम डॉट सम, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है ना? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सम जो है एक ऑब्जेक्ट का है। मैं यहां से ऐड को कॉल करता हूं, ठीक है ना? ऐड में क्या है, मैंने दो वैल्यूज रखी हैं, 2, 4, ठीक है ना? 2, 4 क्या होगा, इनका सम आ जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है? चलिए, और हमने क्या किया है, x प्लस वाई यहाँ पर कर दिया है, ठीक है ना? ये सब मुझे दिख जाएगा, चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। 6 हमारा यहाँ पर प्रिंट हो गया है, ठीक है ना? क्या है, 6 कैसे आया है, मैंने 2 and 4 रख किया है, ये 6 हो गया। मैं एक मेथड, मैं यहाँ पर एक मेथड और भी बना रहा हूँ, पब्लिक void add। इस बार मैं क्या करता हूँ, int x, int y, int z, इस बार 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना? तो अगर मैं यहाँ पर 3 वेरिएबल्स को पास करूंगा तो कौन से वाला एडिशन ऐड वाला फंक्शन मेथड कॉल होगा, ये वाला। अगर 2 आर्ग्यूमेंट्स होगी तो ये वाला, ठीक है ना? चलिए रन करते हैं इसको, 12, ठीक है ना? सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है ना? और मेथड ओवरलोडिंग कर रहे हैं हम, विच मीन्स पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है ना? अब मैं यहाँ पर एक और चीज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर ये पूरा जो एक मेथड है इसको वापस से कॉपी एंड पेस्ट करता हूँ, और इस बार मैं यहाँ पर टाइप भी चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं ले देता हूँ स्ट्रिंग नेम कॉमा स्ट्रिंग नेम 2, ठीक है ना? और नेम प्लस एक स्पेस लगा देते हैं, प्लस नेम 2, ठीक है ना? और अगर मैं यहाँ पर अब 2 स्ट्रिंग पास कराता हूँ, जैसे मैं पास करा देता हूँ यहाँ पर अमित, और दूसरी स्ट्रिंग में पास करा देता हूँ शर्मा, ठीक है ना? तो ये क्या करेगा, अमित और शर्मा को कॉन्केटिनेट कर देगा, ठीक है ना? तो ये हमारा ऑपरेटर, जैसे हम C++ में ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते थे, ये ठीक वैसे ही काम यहाँ पर हो जाएगा। अमित शर्मा, ठीक है ना? तो इन तीनों को मैं एक साथ भी कॉल कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर रन करते हैं। तो फर्स्ट वाला जो मेथड हमने कॉल किया है 3 and 5, ये 8 आ गया है, ठीक है ना? 10, 45, 78, 133, अमित अलग स्ट्रिंग में है और शर्मा अलग स्ट्रिंग में, और ये एक स्ट्रिंग बनकर हमारा कॉन्केटिनेशन हो गया है, ठीक है ना? तो ये सिंपल हमारा प्रोग्राम हो गया है, ठीक है ना? चलिए, तो ये था हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग जैसा एक एग्जाम्पल, ठीक है ना? आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा पॉलीमॉर्फिज्म कैसे वर्क करता है,
ठीक है ना, बस हमें क्या करना होता है, आर्ग्यूमेंट डिफर करनी होती है, टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट और नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट चेंज करना होता है, ठीक है ना, दैट्स इट. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.